देखिए, मैं बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के गणित के किताब के अध्याय समानांतर श्रेणी अर्थात एपी के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 का हल बताने जा रहा हूँ। जो एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। आइए देखिए कैसे। देखिए, सबसे पहले एक सूत्र है, उस सूत्र को याद करना आपको जरूरी होगा इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एपी 3 8 13, 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से बीसवां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से ज्ञात करना है, पहला पद से बीसवां पद नहीं, यानी यहां से इधर नहीं, बीसवां पद अंतिम पद से। तो अंतिम पद कौन है बच्चों? 253। तो 253 से इधर ज्ञात करना है, बाएं साइड, यानी पीछे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ नहीं जाना है, यानी 20 कदम पीछे जाना है। तो पीछे जब जाएंगे तो माइनस तो होगा, आगे जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। पीछे जाएंगे तो माइनस, पिछकुड़िए भाग रहे हैं, आगे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेंगे। तो वही कह रहे कि पिछले पद से चलिए बीसवां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है ln बराबर l माइनस cos n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार का यदि सवाल दिया गया हो तो इस फॉर्मूला का प्रयोग जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। ln बराबर यानी लास्ट पद से बीसवां पद, तो ln बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहां माइनस क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया क्योंकि अंतिम पद से बीसवां पद ज्ञात की जा रहा है, यानी पीछे की तरफ बढ़ना है न कि आगे की तरफ बढ़ना है, इसलिए माइनस लगाया जा रहा है, पीछे भाग रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार यह सूत्र हुआ। अब ये जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए, ए बराबर दिया हुआ है कितना? ए वन बराबर है 3, ए टू बराबर कितना है? 18, एन बराबर दिया है 253। एन को हम लोग एल भी कहते हैं। एन को क्या कहते हैं? एल। तो एल बराबर कितना दिया है? 253, या यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है। एन भी दिया हुआ है, इस सूत्र को मैं अब मिटा देता हूं। एन दिया हुआ है, एन बराबर 20, हमें क्या निकालना है? डी इक्वल टू वन, डी इक्वल टू वन, और एल 20 निकालना है। कितना निकालना है? एल 20 इक्वल टू वन, यानी 20 पद 20वां पद। आइए अब लिखेंगे डी। डी बराबर हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, ए टू हो जाएगा 8, ए वन हो जाएगा 3, 8 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 5, डी निकल गया। ठीक है, डी निकल गया, ए मालूम ही है। अब फॉर्मूला पर रखेंगे, लिखेंगे अब सूत्र से ln बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब ln का मतलब हुआ अंतिम पद, यहां माइनस लगाने का मतलब है कि अंतिम पद से बीसवां पद की तरफ जाना है, यानी इधर से इधर जाना है न कि इधर से इधर जाना है, यानी पीछे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ नहीं बढ़ना है। 20 पद पिछले अंतिम पद जो है इससे इधर बढ़ना है 20 पद। ठीक है, तो इसलिए आप माइनस लगा जाएगा। अब हो जाएगा एल 20 इक्वल टू एल, देखिए एल एन का मान कितना है? 253 है। तो
8 का मान कितना है 253 क्या जाएगा 253 माइनस 8 का मान 20 माइनस 1 डी का मान कितना है गुना 5 ठीक है। अब बराबर हो जाएगा 253 माइनस 20 में से 1 गया कितना हो जाएगा 19 गुने कितना 5 और बराबर हो जाएगा 253 माइनस 19 में प्लस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 19 बचे 95 19 बचे 95 बराबर हो जाएगा। अब 253 में से 95 घटा गए 13 में से 5 गया 8 यहां बच गया 4 14 में से 9 गया 5 यहां बच गया कितना 1 यानी 158 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 158 लिख देंगे आंसर में। इस एपी के अंतिम पद से बीसवां पद अंतिम पद से बीसवां पद कितना होगा 158 है। अंतिम पद से बीसवां पद कितना है 158 है। इस प्रकार से यह सवाल बन गया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो हमेशा मेरा मिलता रहे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जुगल किशोर प्रसाद YUGLKISHORPRASAD जो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी